वेलकम टू द टेंस पैटर्न इंग्लिश क्लास ऑफ टी वी पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल। माई सेल्फ पंकज सोलंकी। जैसे हमने पहले दो वीडियो में बात किया था, टेंस पैटर्न एक अच्छे इंग्लिश के स्पीकर बनने के लिए, अच्छा इंग्लिश लिखने के लिए जो ज़रूरी है वो है टेंस पैटर्न और उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन। जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया था, आज हम टेंस पैटर्न के लास्ट पैटर्न की बात करते हैं और वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जैसे पास्ट और प्रेजेंट के जो फोर सब टाइप है, वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी जो फोर सब टाइप है, उसमें पहला है सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इनडेफिनेट भी कह सकते हैं। उसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जैसे हमें पता है कि आप शैल और विल का उपयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रोटोटाइप मूल स्वरूप हम रखेंगे, जिसे हम वर्ब वन भी कह सकते हैं। और इस तरह ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आई और फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई शैल राइट लेटर, राइट दी लेटर देन वी शैल कंप्लीट the homework normally shall first person singular plural और third person में हम he will sing a song, she will finish her homework, ऐसे हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। ये नॉर्मली नॉर्मल सेंटेंस में हम उसका उपयोग करते हैं, पर जब हम किसी दबाव वाले सेंटेंस के फोर्सफुली या ज़बरदस्ती मतलब कि हम किसी ऐसे धमकी वाले जो सेंटेंस की बात करते हैं कि नहीं नहीं ये आप ही को करना पड़ेगा, आए मैं देख लूँगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। आई और वी के साथ हम शैल की जगह पर विल का प्रयोग करेंगे। आई विल सी यू ये उसका एग्जांपल है। पर अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो शी शैल कुक द फूड। That's how ऐसे सिंपल फ्यूचर शैल विल और वर्ब के साथ यूज होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में कोई वक्त में वो क्रिया चालू होती है, जिसके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हम
शैल विल प्लस मी रखेंगे प्लस वर्ब विथ आईएनजी जो हर एक टेंस पैटर्न के कंटिन्यूअस फॉर्म में ज़रूर होता है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा होगा आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश यू विल बी स्टेइंग एट होम शी विल बी she will be writing a letter means future continuous में shall will और be जिसके साथ verb का ing form हम रखेंगे। ऐसे sentence formation में हम future continuous tense का प्रयोग करते हैं, जिसे नेक्स्ट जो सेंटेंस पैटर्न है और फ्यूचर टेंस का जो पैटर्न है सब टाइप हैं, वो है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नॉर्मली हर एक परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो हमें याद होना चाहिए। अगर हम अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम ये वर्ब फॉर्म्स और उसके वर्ब टू और वर्ब थ्री के बारे में हमें पता होता है, उतना ही अच्छे तरीके से हमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना बहुत आसान आ जाता है। इसलिए इफ़ वी वॉन्ट टू मेक यूज़ ऑफ इट वी शुड हैव इन द नॉलेज, दैट्स हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ और यू कैन से स्पीक अ वेरी ईजी गोइंग इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम बात करें इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तो शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, फ्यूचर में कोई वक्त में वो क्रिया ख़त्म हो रही होगी, हो गई होगी, ऐसा कहने के लिए स्नेहा विल हैव इट स्टैंड्स फॉर सी, सी विल हैव स्पोकन टू द फ्रेंड्स। यू विल हैव सीन सीन द रिजल्ट बाय धैन। अगर हम टेंस पैटर्न के ये पर्टिकुलर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो उसमें हमें ये शैल विल हैव और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, इसे हमें ये सेंटेंस की जानकारी के लिए याद रहना चाहिए। जितना ये सेंटेंस फॉर्मेशन हम अच्छी तरह से याद रखते हैं उतना ही हमें वो आसानी से याद रहेगा। उसको हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, सी विल
नॉट लिखेंगे, सी विल नॉट हैव स्पोकन टू द फ्रेंड। तो हम ये नेगेटिव सेंटेंस बना पाएंगे। अगर हम ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रख देंगे तो विल शी हैव स्पोकन टू द फ्रेंड, वो एक क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। और ठीक उसी तरह डबल इंट्रोगेटिव यानी कि WH पैटर्न फैमिली को हम जोड़ना चाहते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। When will she have spoken to the friends? और जब हम लास्ट टेंस पैटर्न की बात करेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारे टेंस पैटर्न का आखिरी टेंस, जो हमें हर एक सेंटेंस के लिए, इंग्लिश के लिए, स्पोकन के लिए, और ख़ासकर जो हम डायलॉग्स डिलीवर करते हैं यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ये तीनों टेंस पैटर्न के चारों सब टाइप्स यानी कि कुल मिलाकर के 12 टेंस पैटर्न का ज्ञान हमें उसमें काम पर लगाना है। और उसका ये आखिरी टेंस पैटर्न है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें शैल, विल, हैव प्लस टू बी का बीन, और जैसे आपको पता है वर्ब का वर्ब विथ ing फॉर्म। अब ये टेंस में एक टाइम का उपयोग किया जाता है, मीन्स अगर हमें सिंस और फॉर का उपयोग करना पड़ता है, सिंस और फॉर, इफ देर इज नंबर्स और यूनिट्स देन वी आर यूजिंग फॉर, इफ देर इज पर्टिकुलर मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, देन इट इज सिंस। टाइम इंडिकेटर्स के वर्ड्स सिंस फॉर का हमें यहाँ उपयोग करना होता है, जैसे कि आई शैल हैव बीन एन्जॉयिंग योगा सिंस अर्ली मॉर्निंग, since early morning, right? Here we have used since to indicate early morning, but if you want to say, जब हम कहना चाहते हैं कि he will have been reading story for 2 hours, यानी कि यूनिट्स, नंबर्स, उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ। सिंस फॉर का हमें इस टेंस पैटर्न में ख्याल रखना है ताकि हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्टिव वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज और सिंटेक्स वाइज रॉन्ग ना हो, हमें अच्छा सेंटेंस फॉर्मेशन, करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा होना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है, जैसे हर एक टेंस पैटर्न के एंड में हम जो होमवर्क देते हैं आज, उसी तरह ये टेंस पैटर्न के बाद भी आपको ये होमवर्क करना है कि सिलेक्ट 10 वर्ब, राइट, प्रिपेयर देयर वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 टाइप, फॉर एग्जाम्पल राइट, रोट,
written. Clear? Bring, brought, brought. Forgive, forgave, forgiven. ऐसे 10 वर्ब फॉर्म्स के वर्ब फॉर्म्स को तैयार करके उसके टेबल फ्यूचर टेंस के सभी सब टाइप्स का हमें अपने असाइनमेंट में लिखना है। फिर से इस टेंस पैटर्न के लिए आप जितना हो सके उतना वर्ब फॉर्म प्रिपेयर करके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टेंस पैटर्न के टेबल आप बनाते जाओ और टेंस पैटर्न को क्लियरली आप समझ लो, ताकि आपके ये टेंस पैटर्न आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।